हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बाय बिलियन में। दोस्तों आज हम लोग लाभ और हानि से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और ये टॉपिक जो है एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस तरह के प्रश्न जो है एग्जामों में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि इस तरह के प्रश्न को आज हम लोग बिना फार्मूले के प्रयोग किए हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को जल्दी से लगाएंगे और लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को कि किस तरह से आपको सवाल को बताया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही आपको सवाल को लगाना है एग्जामों में, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं और शुरू करते हैं। आइए देखते हैं क्या दिया है। एग्जाम्पल दिया गया है कि यदि चावल का मूल्य 20% कम हो जाए तो कोई व्यक्ति 100 रुपए में 2 किग्रा चावल अधिक खरीद सकता है। चावल का घटा हुआ मूल्य है, पूछ रहा है कि चावल का घटा हुआ मूल्य क्या है। आपको दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, इस तरह का अगर प्रश्न दे कि प्रतिशत कम ही हो जाए और कुछ रुपए में खरीदने पर कुछ चावल क्या हो जाए, अधिक मिल जाए, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर नया भाव पूछे, ये घटा हुआ भाव पूछ रहा है। घटा हुआ भाव मतलब अभी जो इस समय जो खरीद रहा है जिस मूल्य पर, उस वो भाव पूछ रहा है आपसे। तो घटा हुआ भाव यानी ये पूछ रहा है कि आप बताइए कि नया भाव क्या है। नया भाव के बारे में बात कर रहा है जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, ये पुराने भाव की बात नहीं कर रहा है। यानी बोल रहा है कि चावल का घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए या क्या है, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं कर रहा है दोस्तों। आप याद रखिएगा, जितने रुपए में जितना अधिक खरीद लेता है बस उससे क्या करिएगा, उसकी क्वांटिटी से उसके मूल्य में भाग दे दीजिएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, 100 में आपको 2 से क्या करना है, भाग दे देना है, ठीक है। भाग दे दीजिएगा, 100 रुपए में 2 किग्रा चावल अधिक खरीद लेता है, 100 रुपया आपका जो मूल्य है, जितना चावल अधिक खरीद लेता है उससे क्या करिएगा, उसके मूल्य में भाग दे दीजिएगा। जब भाग दीजिएगा तो आएगा कितना, 50। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, जितने प्रतिशत की कमी हो जाती है बस उतना प्रतिशत निकाल दीजिएगा, आपको नया भाव यानी घटा हुआ मूल्य आपको मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 20% क्या हो जाता है, घट जाता है। बस 20% ही निकाल दीजिएगा, बस आपको मिल जाएगा कि इसका भाव क्या था। तो चलिए कटा लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। जब गुणा करिएगा 5 का 2 में तो 5 दुना क्या होता है, 10। ये हो जाएगा चावल का घटा हुआ मूल्य। क्या हो जाएगा, चावल का घटा हुआ मूल्य। दोस्तों मुश्किल से आप लगा सकते हैं 1 या 2 सेकेंड में इस तरह के सवाल को, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 रुपया पर केजी। क्या हो जाएगा, 10 रुपया पर केजी। आइए फिर से आपको बता देते हैं कि इस तरह के सवाल को कैसे लगाया जाता है, ठीक है। बिना फार्मूला के आपको बताया गया, अभी आपको मैंने बताया बिना फार्मूला, फार्मूले का प्रयोग कहीं भी नहीं आपको करना है। आप ध्यान से देखिएगा इस तरह के सवाल को कैसे लगाया जाता है, फिर से देख लीजिए, मैं बताने जा रहा हूं आपको, एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा। कह रहा है चावल के मूल्य में 20%, देख रहे हैं ना, मूल्य में क्या हो जाता है, 20% की कमी हो जाती है, जिससे क्या करता है, एक व्यक्ति जो है 100 रुपए में 2 किग्रा चावल अधिक खरीद लेता है। 100 रुपया में क्या करता है, 2 किग्रा पहले से क्या करता है, अधिक खरीद लेता है। तो कह रहा है चावल का मूल्य, तो आपको कुछ भी नहीं करना, ध्यान आपको रखिए, ध्यान आप बस आपको यही रखना है कि कितने रुपए में कितना अधिक खरीद लेता है। तो 100 रुपए में 2 किग्रा अधिक खरीद लेता है, बस 100 में ही क्या करिएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा जो आएगा। अगर नया भाव पूछ रहा है यानी घटा हुआ मूल्य, प्रेजेंट का मूल्य अगर पूछ रहा है, तो बस जितने प्रतिशत कम हो जाता है बस उतना ही, जितने प्रतिशत कम या वृद्धि हो जाती है बस उतने ही परसेंट निकाल दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप जब 100 में 2 से भाग दिए तो आया 50, कटाएंगे जब तो 5 दुना के 10 कटाएंगे ना, यहाँ पे तो हो जाएगा, 2 से कटाइएगा 2 5 10 और 0 है तो 0 लिख लेंगे, तो 50 बार में कट गया। अब 50 का आपको सिर्फ निकालना है कितने परसेंट, 20% कम हो जाता है, बस 20% ही निकाल दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा कि इस समय प्रेजेंट में घटा हुआ मूल्य क्या है, पर केजी, ठीक है। तो आपको मिल गया कितना रुपया, 10 रुपया पर केजी। जब 50 का 20% निकालिएगा तो आएगा 10 रुपया प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा आंसर कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो आप ऑप्शन देख रहे हैं कि ऑप्शन हमारा दिया गया है ऑप्शन बी में, 10 रुपया प्रति
केजी। ऐसे जल्दी से लगाएंगे इस तरह के सवाल को। आइए कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। देखिए आइए देख लेते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये भी प्रश्न बिल्कुल उसी तरह का है। आप समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान से देखिएगा सवाल को। हम जिस तरह से आपको बता रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से आपको लगाना है। फार्मूले की कोई भी जरूरत नहीं है आपको इस सवाल के लिए। आप ध्यान से देखिए और समझिएगा कि इस तरह के सवाल को कैसे लगाया जाता है बिना फार्मूला, बिना फार्मूले के प्रयोग किए बिना लगाएंगे हम लोग। फिर से देखिएगा समझिएगा और आइए देख लेते हैं इस एग्जाम्पल को। दिया गया है चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे रुपया 400 में 10 किग्रा कम चावल मिलता है। चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। नया भाव याद रहे, घटा हुआ मूल्य पूछे तब भी आप याद रखिएगा वो नए भाव की ही बात कर रहा है, प्रेजेंट की भाव की बात कर रहा है। ये भी आप देख रहे हैं कि नया भाव बोल दिया, ये तो बोल दिया है नया भाव, तो इसमें समझने की कोई भी जरूरत नहीं है, नया भाव ही आपको ज्ञात करना है। तो नया भाव ज्ञात करने के लिए अभी इससे पहले मैंने जस्ट अभी बताया आपको, ठीक है। तो फिर देख लेते हैं इसको भी कैसे लगाएंगे। तो आप याद रखिएगा 25% बढ़ गया, तो कह रहा है कितने रुपए में कितना कम खरीद पाता है, उसमें कम हो गया था तो ज्यादा खरीद लेता था, अब इसमें क्या हो गया कि इसमें बढ़ गया है दाम तो वो कम खरीद रहा है। तो आप बस इतना ही याद रखिएगा कि कितने रुपए में कितना कम खरीद पाता है। तो आप देख रहे हैं कि 400 रुपए में 10 किग्रा चावल कम खरीदता है, 400 रुपए में 10 किग्रा चावल कम खरीदता है। तो आपको क्या करना है, बस 400 में 10 से भाग दे देना है। तो ऐसे भाग दे दीजिएगा, ठीक है। कटाएंगे तो 40 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको ध्यान रखना है कि जितने प्रतिशत बढ़ गया बस उतना परसेंट ही निकाल दीजिएगा, बस आपका आंसर मिल जाएगा कि इस समय प्रेजेंट में इसका भाव क्या था, ठीक है, चावल का भाव क्या था। तो आपको कितने परसेंट निकालना है, तो 25% बढ़ जाता है, बस 25% निकालिएगा। किसका, 40 का आप निकालिएगा 25%, ठीक है, कटाइएगा। चलिए कटाते, 25 एकम 25 और 25 चौक 100, 4 से फिर कटाइएगा, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 10 बार में कट जाएगा। यानी नया भाव क्या होगा आपका, चावल का नया भाव क्या हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि आ गया आपका आंसर 10 रुपया पर केजी, ये आपका आंसर हो जाएगा। मुश्किल से फ्यू सेकेंड में आप सवाल को लगा सकते हैं, बस ऐसे ही आपको लगाना है। कभी भी नए भाव की बात करें बस तुरंत आप क्या करिएगा, जितने रुपए में जितना कम या अधिक खरीद लेता है उससे भाग दे दीजिएगा, जितने परसेंट बढ़ या घट जाता है बस उतने परसेंट ही उसका निकाल दीजिएगा, बस आपको एक लाइन में आंसर मिल जाएगा। आप देख रहे हैं कि आपका आंसर आया कि इस समय नया भाव क्या है, तो आप देख रहे हैं कि 10 रुपया पर केजी इसका नया भाव है चावल का, ठीक है। तो ऐसे ही जल्दी जल्दी लगाएंगे हम लोग, बहुत सारा सवाल लगाएंगे। आइए कुछ और भी एग्जांपल, कुछ अलग तरह का एग्जांपल देखते हैं और लगाते हैं, ठीक है, आइए देख लेते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये भी प्रश्न आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह का है ना। आइए इसको भी देख लेते हैं और बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा इस तरह के सवाल को, है ना। और ये सवाल जो है बिना आप किसी फार्मूले के लगाएंगे, है ना, हमेशा लगाइएगा इसी तरह से जिस तरह से आपको मैं बता दे रहा हूं। आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि मैदा 10% महंगा हो गया, जिससे 440 रुपए में 2 किग्रा कम मैदा मिलता है। मैदे का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या पूछ दिया, पुराना भाव आपसे पूछ रहा है। अगले सवाल में जो इससे पहले हमने जो एग्जाम्पल लगाया उसमें क्या था, वो नया भाव पूछ रहा था। इसमें बोला है कि पुराना भाव उसका बताइए कि पुराना भाव क्या है ना। तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे लगाएंगे। आपको बिल्कुल वैसे ही लगाना है जैसे उसको लगाया गया, ठीक है। आप सबसे पहले देखिएगा कि कितने रुपए में कितना किग्रा कम मैदा प्राप्त करता है, वो खरीद पाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 400 रुपए में, देख रहे हैं ना, 440 रुपए में वो 2 किग्रा कम मैदा खरीद पाता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस 440 में आपको 2 से भाग दे देना है। चलिए 2 से भाग दे देते,
जब 2 से भाग दीजिएगा तो आएगा कितना भाग देंगे तो कटाइएगा तो आएगा 220 आ गया। अब आपको मुश्किल से थोड़ा सा सवाल को चेंज करना है। बोल रहा है पहले से पहले हम लोग क्या करते थे कि जितना परसेंट महंगा या अधिक हो जा रहा था, कम या अधिक हो जाता था जितना परसेंट उतना परसेंट बस निकाल देते थे यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या करना है, जितने परसेंट महंगा हो जाए तो 100 में जोड़ कर नीचे रखिएगा है ना, अगर कम हो जाए तो माइनस करके रखिएगा। तो ये देख रहे हैं बढ़ा हुआ है, महंगा हो गया है, देख रहे हैं ना बढ़ा हुआ है महंगा हो गया है। तो आपको क्या करना है, 10% निकालिएगा, बट आप नीचे क्या करना है, आपको जितने परसेंट महंगा हो गया है उतना 100 में जोड़ के रखिएगा नीचे, ठीक है। तो जोड़ के जब नीचे रखिएगा तो 100 में अगर 10 जोड़िएगा तो हो जाएगा 110। आपको बस इतना ही याद रखना है, अगर पुराना भाव पूछ दे, पुराना भाव पूछ दे तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जितने परसेंट महंगा हो जाए या कम हो जाए बस उसको 100 में जोड़ के या घटा के नीचे रखते हैं, ठीक है। और हल करेंगे जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कटाइएगा यहाँ से 11 दुना के हो जाएगा 22, यानी आपका हो जाएगा 20 रुपया पर केजी। आप देख रहे हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन आपका डी में दिया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए और भी एग्जाम्पल देखते हैं और लगाते जल्दी से। आइए दोस्तों देख लेते हैं ये भी प्रश्न, आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल आपका। अब ये इस तरह का एग्जाम्पल हो गया है, इस तरह का कभी भी एग्जाम्पल आए तो आपको मैंने जैसे बताया बिल्कुल वैसे ही लगा लीजिएगा जल्दी से, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इस तरह के प्रश्न को, इसको भी इस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं कैसे लगाएंगे। तो दे रहा है सेंटरों के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर एक आदमी 10 रुपए में 5 सेंतरे अधिक खरीद लेता है। तो कह रहा है कि सेंतरे का पहले वाला मूल्य कितना था। देखिए फिर पुराना भाव पूछ रहा है यहाँ पे, तो पुराना भाव आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप निकालिएगा कि कितने रुपए में कितना अधिक खरीद लेता है संतरा वो। तो आप देख रहे हैं कि 10 रुपए में 5 सेंतरे अधिक खरीद लेता है, बस 5 से भाग दे दीजिएगा 10 में तो आएगा कितना 2। अब आपको क्या करना है, जितना अधिक या कम हो जाता है, याद रहे अगर पुराने भाव की बात करेगा तो 20 तो ऊपर आपको रखना ही है, मगर जितने की कमी हो जाती है उसको 100 में से माइनस करके नीचे रखना है आपको, ठीक है। तो आप रखिएगा किस तरह से, तो 20% की कमी हो जाती है तो 20 क्या करिएगा नीचे माइनस कर दीजिएगा, अगर वृद्धि हो जाता है तो प्लस करना है, अगर कमी हो जाता है तो नीचे माइनस करना है। किस भाव में, तो पुराने भाव में, पुराने भाव में। अगर पुराना भाव आपको अगर ज्ञात करना है तब आपको ऐसे करना है, अगर नया भाव की बात करेगा तो जितने परसेंट कम या अधिक हो जाता है बस उतना परसेंट निकाल दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 10 से 10 में जब 5 से भाग दिए तो आया 2, 2 का निकालना है 20%, बट क्या करना है आपको, जितने परसेंट की कमी हुई है उतना 100 में से माइनस करके नीचे लिखना है। तो आप 100 में से जब 20 माइनस करिएगा तो आएगा 80, ठीक है। अब कटाइएगा इसको, तो 20 एक कम 20 और 20 चौक 80, इसको कटाइएगा 2 एक कम 2 और 2 दुना के 4, आया कितना आपका, तो देख रहे हैं कि आ गया 1/2 रुपया, मगर सारा ऑप्शन आप देख रहे हैं कि दिया है किसमें, पैसे में। तो आप इसको पैसे में चेंज कर लीजिएगा, तो 1 रुपया बराबर होता है, 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा, होता है ना। तो आप चेंज कर लीजिएगा, तो 1/2 रुपया बराबर कितना पैसा, तो 1/2 × 100 जब कटाइएगा तो आएगा कितना 50 पैसे, कितना आएगा 50 पैसे, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन सी में दिया गया है 50 पैसे, ये आपका हो जाएगा आंसर। दोस्तों फिर से आप समझ लीजिएगा एक बार इसको कैसे करना है, सवाल में आपको बस 3 चीजों पर ध्यान देना है, कितने परसेंट कमी या वृद्धि हो जाती है, कितने रुपए में कितना वस्तु कम या अधिक खरीद लेता है ना, और क्या पूछा है, ठीक है। अगर पुराना भाव पहले का भाव पूछेगा तो आप याद रखिएगा आपको क्या करना है, 20% तो जैसे जो प्रश्न दिया गया है कम या वृद्धि वो तो ऊपर रहेगा ही,
100 में हमेशा पुराने भाव के लिए या तो वृद्धि होगा तो प्लस करके लिखना है नीचे, या तो कमी हुआ है तो माइनस करके लिखना है। ठीक है, पुराने भाव के लिए सबसे पहले आपको करना है कि कितने रुपए में कितना कम खरीद लेता है या अधिक खरीद लेता है, भाग दे दीजिएगा रुपए में उस वस्तु से, जो आएगा उसका निकालिएगा। अगर नया भाव निकालना होगा तो उतना परसेंट डायरेक्ट निकाल दीजिएगा, जितने की वृद्धि या कमी हुई होगी बस वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपका पुराना भाव पूछेगा तो पुराने भाव के लिए आपको क्या करना है, तो पुराने भाव के लिए जितने परसेंट कम हो जाता है या वृद्धि हो जाता है उसको ऊपर लिखिएगा, और अगर वृद्धि हो जाता है तो नीचे 100 में प्लस करके लिखना है, कमी हो जाता है तो माइनस करके लिखना है, और हल करना है जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जल्दी से करिएगा इस तरह के सवाल को। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं इस तरह के सवाल को कैसे जल्दी से करते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। आइए देख लेते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये प्रश्न बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न है और देखते हैं इसको कैसे जल्दी से लगा सकते हैं हम लोग, है ना। तो आइए देख लेते हैं, कह रहा है कि ये एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये एग्जाम्पल बोल क्या रहा है, दे रहा है कि चीनी का भाव 25% घट गया, अब 480 रुपए में 10 किग्रा चीनी अधिक मिलती है। तो कह रहा है कि चीनी का नया और पुराना भाव ज्ञात कीजिए, दोनों ही पूछ रहा है, नया भी पूछ रहा है और पुराना भी पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नया भाव, इसका नया भाव हम लोग निकालेंगे, लिखेंगे चीनी का नया भाव, चीनी का नया भाव। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मैंने नया भाव निकालने का तरीका बताया था कि आपको कुछ भी नहीं करना है, कि जितने रुपए में जितना किलोग्राम अधिक खरीद लेता है, अधिक या कम खरीद लेता है, बस क्या करते हैं रुपए में उस वस्तु से भाग दे देते हैं। तो आप भाग दे दीजिएगा, 480 में 10 से आपको क्या करना है, भाग दे देना है। जब भाग दीजिएगा तो आएगा 48। अगर नया भाव निकालना है तो जितने प्रतिशत घट जाए या वृद्धि हो जाए, याद रहे उतने परसेंट बस निकाल दीजिएगा इसका, 25% घटा हुआ है बस 25% निकाल दीजिएगा। तो चलिए कटा लेते हैं, 25 एक कम 25 और 25 चौक 100, 4 से कटाइएगा, 4 एक कम 4 और 4 दुना के 8, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 12 रुपया प्रति केजी। नया भाव आपको मिल गया, अब पुराना भाव निकालेंगे, पुराना भाव चीनी लिखिएगा, चीनी का पुराना भाव, देखिए एक लाइन में दोस्तों लगा रहे हैं लोग सवाल को। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, पुराना भाव ज्ञात करना है, तो आप क्या करिएगा, बस इस 48 का निकालिएगा कितने परसेंट, देखिए घट रहा है, याद रहे जब भी घटेगा तो नीचे पुराना भाव निकालने के लिए नीचे किससे भाग देंगे, तो भाग देने के लिए हमेशा याद रखिएगा अगर घट रहा है तो 100 में से माइनस करके रखिएगा, तो 25 बटान हो जाएगा, 25% जब माइनस करिएगा 100 में से तो आएगा 75। अब कटाइएगा, जो आएगा आपका आंसर आएगा वो पुराना भाव होगा। ठीक है, तो कटाइएगा 25 से कम 25 और 25 75, अब इसको कटाइएगा 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3 बचेगा 1, 18 हो जाएगा, 3 6 18, यानी आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है 16 रुपया पर केजी। ये हो जाएगा आपका पुराना भाव। नए भाव के लिए याद रखिएगा, भाग दीजिएगा आप, भाग देने के बाद जो आएगा बस उतना परसेंट निकाल दीजिएगा जितने परसेंट बोला है कमी या वृद्धि। अगर आपको पुराना भाव निकालना है तो पुराने भाव में भी बस भाग उसी तरह से देना है, आएगा 48 ही, 48 का बस 25% निकालेंगे, बट याद रहे कमी या वृद्धि होता है तो वृद्धि होगा तो 100 में प्लस करके भाग दीजिएगा, अगर कमी होगा तो माइनस करके भाग दीजिएगा जितने परसेंट की वृद्धि या कमी होती है उससे। ठीक है, तो पुराने भाव के लिए इस तरह से लगाएंगे और नए भाव के लिए इस तरह से लगाएंगे, दोनों ही आपको एक एक लाइन में लगा लेना है जिस तरह से मैंने आपको अभी बताया, कोई भी फार्मूला लगाना नहीं है आपको, डायरेक्ट सवाल को लगा लेना है। तो फिर से एक बार समझिएगा किस तरह से लगाना है आपको। कह रहा है कि 25% घट गया चीनी का भाव, तो क्या हो जाता है कि एक व्यक्ति जो है अब वो क्या करता है, 480 रुपए में 10 किग्रा चीनी अधिक खरीद लेता है। तो आप याद रखिएगा जितने रुपए में जितना किग्रा चीनी अधिक खरीद लेता है बस उसी से भाग दे देना है,
आपको मूल्य में उस वस्तु से, वस्तु जितना वस्तु अधिक खरीद लेता है उसी से आपको मूल्य में भाग दे देना है। तो मूल्य में जब भाग दीजिएगा तो आएगा 48। अगर नया भाव निकलना है तो जितने परसेंट कम या अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है या घट जाता है, बस उतने ही परसेंट आप क्या करिएगा, निकाल दीजिएगा, आपको नया भाव मिल जाएगा। जब नया भाव मिल जाएगा तो पुराना भाव की बात कर रहा है, पुराना भी निकालना है आपको, तो पुराने में क्या करते हैं, फिर वही चीज भाग देते हैं, जो आता है उसका जितना परसेंट कम या वृद्धि हुआ है उसी का उतना ही परसेंट निकालते हैं। बट नीचे क्या होता है, अगर घट जाता है तो माइनस करके भाग देते हैं, अगर बढ़ जाता है तो प्लस करके भाग देते हैं। ठीक है, तो ऐसे लगाइएगा जल्दी से एक लाइन में इस तरह के सवाल को। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर करिएगा। अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।